अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों इस वक्त हम मौजूद है बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र गांव जाटू लोहारी में और यहां पर एक जाटू लोहारी की एक पंचायत का आयोजन किया गया है भाई दीपेश सरसर के समर्थन में। तो बातचीत करवाएंगे, इसका क्या मकसद था इस पंचायत का, तो बने रहे हमारे साथ में। दीपेश का प्रोग्राम देख के और भी खुश हो गया। आज आपकी गांव की पंचायत हुई है, इसमें इसका क्या मकसद था? इसका मकसद था भाई दीपेश को आगे बढ़ाने का था और सर्वसम्मति से हम भाई दीपेश को आगे बढ़ना देखना चाह रहे हैं और हमारे देश का विकास हो। भाई दीपेश के साथ तन मन धन से तैयार हूँ। क्या आश्वासन दिया आज गांव की छत्तीस बिरादरी का पूरा समर्थन है, तन मन धन से। तन मन धन से समर्थन है, भाई दीपेश के साथ हैं बिल्कुल। और हमारी इच्छा है, बाबा जगन्नाथ का आशीर्वाद है, भाई को कामयाबी दिला के रहेंगे। पूछिए बिल्कुल। आज पंचायत में आए, हाँ हमारे गांव का उम्मीदवार है, बहुत बढ़िया उम्मीदवार है। अगर मालिक ने टिकट दी इसको तो भरपूर कोशिश करेंगे भाई को जिताने के लिए। परिश्रम करना हमारा काम है, बाकी भाग्य है। सर्वप्रथम बात ये है कि पार्टी एक बार टिकट दे। हाँ जी भाई जी नमस्कार। आपके चैनल के सभी साथियों को मेरी राम राम। भाई साहब आज पंचायत हुई है छत्तीस बिरादरी की पंचायत, तो इसमें क्या फैसला लिया गया? आज हमारे गांव जाटू लोहारी ने मन बना लिया है, भाई दीपेश सरसर है जो कांग्रेस पार्टी से है और लंबे समय से संघर्ष है और ये बहुत ही शिक्षित और ईमानदार नेता है और इसकी छवि बहुत अच्छी है। हमारे गांव जाटू लोहारी ने मन बना लिया है भाई दीपेश सरसर को बवानीखेड़ा हल्के से MLA बनाना है। हाँ जी, अगर कांग्रेस पार्टी टिकट भी दे देती है इनको तो पूरा जाटू लोहारी का क्या स्टैंड रहेगा, किस तरीके से इनकी मदद करेंगे? हमारे गांव जाटू लोहारी में लगभग 7 से 8 हज़ार वोट हैं, सभी वोट एक नक्के से निकलेंगे और भाई दीपेश सरसर को मिलेंगे, कांग्रेस की जोड़ी में ये वोट जाएंगे। जी क्योंकि बड़ा प्रोग्राम करने वाले हो भाई दीपेश सरसर के। भाई दीपेश सरसर आज हमारे गांव ने इकट्ठा होकर दीपेश सरसर को यहां पर बुलाकर स्पेशल इनको ये कहा कि भाई आप आगे बढ़ो, पूरा टोटली गांव आपके साथ है, जहां भी हमें जाना होगा आपके साथ, आप जहां भी हमारी ड्यूटी लगाओगे हम आपके साथ कंधे से मिलाकर चलेंगे और तन मन धन से सहयोग करेंगे। अगर विधायक बन जाते हैं क्या उम्मीद है आपको? अगर ये विधायक बन जाते हैं, वैसे तो गांव ने ठान लिया है, बवानीखेड़ा हल्के ने ठान लिया है, जो अभी वर्तमान में विधायक है वो हमारे बवानीखेड़ा हल्का में सुख दुख में कभी नहीं आते हैं। जब विधायक बने थे उसके बाद एक बार भी गांव जाटू लोहारी में या बवानीखेड़ा हल्का में सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं। ये ऐसे उम्मीदवार हैं दीपेश सरसर जो कि सुख दुख में आगे खड़े रहते हैं और शिक्षित भी हैं, एडवोकेट भी हैं, डॉक्टर भी हैं और इनको राजनीति के बारे में लंबा संघर्ष भी है और लंबी नॉलेज भी है। ठीक है, ओके। राम राम भाई। पंचायत हुई है छत्तीस बिरादरी की जो पंचायत थी, तो अगर दीपेश सरसर को टिकट मिलते तो क्या स्टैंड रहेगा भाई? इनका इतिहास देखा ना, तो इसका बाप एक अप्लाईमेंट ऑफिसर था दीपेश का, तो उसने काम में बहुत सेवा करी है, बहुत मेहनत करी है। और भाई इन बालका ने भी बहुत मेहनत करी, इसकी माँ ने भी बहुत मेहनत करी, इनका परिवार शुरू से काम में बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है। और दीपेश तो भाई छोरा युवा है, बढ़िया है, कार्यकर्ता है, मतलब कांग्रेस का अच्छा कार्यकर्ता है, तो इसका सहयोग तो देगा काम। छत्तीस बिरादरी देगी, मैं के एकला दूंगा काम क्यों देगा, बस छत्तीस बिरादरी देगी। इसका कोई नू तो कौन, किसी से छेड़खानी न, किसी से अड़बाद न, सारे काम बढ़िया, छोरा का बढ़िया बोल चाल, कोई दाग नहीं, बेदाग छोरा से बता इवनू कह दिया भाई छोरे में कोई कमी से, कमी तो कौन काटता कोई? अच्छा कमी इसका बाप भाई कौन लिखड़ी का दे, इसका बाप ने भाई परस छोरे लगवा दी नौकरी, कोई नुए लगवाए हैं यार, मेहनत करी है। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी बताओ जी, और क्या कहना चाहेंगे आज पंचायत हुई यहाँ पे पंचायत में? मैं इस लड़का बहुत सहमत हूँ भाई साहब, बहुत बढ़िया लड़का है, पर उनका तो परिवार ही बढ़िया है। अगर टिकट लेने के लिए आपको चंडीगढ़ दिल्ली ही जाना पड़ेगा तो क्या आप साथ जाओगे? हाँ चले जाऊंगा जी, पक्का। क्या देखते हैं सर?
इसका अच्छा व्यवहार है पूरा, जहाँ ले जाओगे ना वहीं चले जाएंगे। अच्छा लड़का है, एक नंबर का होनहार लड़का है। हाँ जी भाई, जिस कार्य के लिए पंचायत की गई है वो कार्य सफल होगा। और दीपेश जी युवा वर्ग से है और इनकी जो जीत है निश्चित तौर पे होगी। हमारा जो गांव है जटलुवारी, 36 बरादी यहाँ पे रहती है, सब दीपेश भाई के साथ में है और इनको जिता के रहेंगे हम लोग। क्या कोई गांव ने ऐसा फैसला किया भाई, कोई हाईकमान से बातचीत करो? बिल्कुल बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली गए थे दीपेश जी, और 99% तो यही कि टिकट भी कन्फर्म है और जीत भी कन्फर्म है। जो सभी का सहयोग करेगा, जो सभी को साथ लेकर चलेगा, तो उसकी तो जीत होनी चाहिए वैसे भी। और फिर हमारे गांव का युवा लड़का है तो हमारा भी तो सहयोग बनता है कि कुछ साथ लेके चले, गांव का समाज का नाम ऊंचा होगा। तो और भी साथ ठीक हो? बढ़िया भाई, भाई साहब आप भी पंचायत में शामिल हो, क्या क्या फैसले लिए पंचायत? भाई पंचायत ने ये फैसला लिया, अगर भाई दीपेश सारसर को टिकट मिलती है तो पूरा गाँव उनका जोर शोर से सारे तन मन धन सबसे सहायता करेगा। बस घर भाई साहब को टिकट मिल जाती है तो जो युवा साथी है गांव दाटलुवारी के उनका क्या स्टैंड रहेगा, कितनी मदद करेंगे? बिल्कुल भाई, आप देख लेना, अभी तो टिकट फाइनल होने वाली है कुछ दिनों में और दीपेश सरसर को ही मिलेगी, उसके बाद आप जाटलुवारी का युवा को देख लेना, एक एक सब उनके साथ लगे रहेंगे। आज ने आप ही मान लिया टिकट मिल भी गई? बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल, हमें बिल्कुल श्योर है, हमारा गाँव की पंचायत हुई है, अब उन्होंने फैसला कर दिया भाई कि अगर मिले भी नहीं तो जाटलुवारी साथ दे के उनको टिकट दिला के लेके आएगा। हाँ जी भाई, क्या उम्मीद है अगर विधायक जी बन जाते हैं, जो दीपेश सरसर भाई है विधायक बन जाते हैं, क्या उम्मीद रहेगी, क्या विकास कार्य होगा? देखिए दीपेश सरसर युवा है पहली बात तो, जो युवा के हक में बातें नहीं है, अभी भाजपा सरकार में जितनी बेरोजगारी है ठीक है, देश में पहले नंबर पर बेरोजगार युवाओं में हरियाणा नंबर एक पर है ठीक है। गाँव की बेरोजगारी की समस्या पहले तो कांग्रेस पार्टी दूर करेगी, ऊपर जैसे हमारे हल्के में जो जो कमियां हम उनको दूर करवाने की कोशिश करेंगे। भाई साहब जो जाटलुवारी में मेन मेन जो समस्या है जो बीजेपी सरकार ने भी पूरी नहीं करी, क्या लगता है क्या क्या आपके गांव? देखिए भाई एमएलए गांव गांव का नहीं होता, एमएलए पूरे हल्के का होता है, पूरे हल्के में जो जो समस्याएं होंगी ना वो हम समाधान करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि भाई अपने सीवरेज की समस्या है ठीक है भाई, अपने हर गाँव में जैसे भाई एक कूड़ा डालने की समस्या होती है भाई, उनको एक पक्की जगह देने की बात है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, जैसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात है ठीक है, सौंदर्यकरण की बात है, गांव में जोड़ होते हैं, इन सब की बात, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करवाने की बिल्कुल बिल्कुल कोशिश। दिसंबर वाल्मीकि जी ने कितने काम करवाए भाई? अब उनके काम वो जाने, उनके काम वो गिनाए, हमें तो कुछ दिखता नहीं है। आप अंदर अतर कुछ दिखाई नहीं? कुछ नहीं दिखाई दिया भाई। धन्यवाद। पंचायत हो 36 बिरादरी पंचायत, क्या फैसले लिए? बड़ी खुशी की बात है भाई, हाँ बना के लियावे, बनावागे बुआड़ी खेड़े से बना के लियावाए, टगड़ सिवा के लियावागे, बड़ा प्रेम खुशी है, बड़ा प्रेम है। किस किस प्रकार से सहयोग करोगे है? गांव किस प्रकार से सहयोग करेगा दीपेश भाई? खूब करेगा, तुच्छी बच्चा गांव गुआंड। अगर दिल्ली जाना पड़ गया तो? दिल्ली जाना पड़ गया पहली जावाए, चाहे पैदल जाना पड़ गई हो। हाँ एक खास बात है दीपेश में, दीपेश में भाई कुरबा है, हम चाहे वहाँ कुर्बन है, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी दिल में हो जाए बात यह है। चलो ठीक है तब। हाँ जी भाई जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, ठीक हो? ठीक है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे दीपेश भाई? दीपेश भाई जाटलुवारी गांव के योग्य उम्मीदवार हैं, जो ये अब की बार हल्का बौनीखेड़ा से आप उम्मीदवार हैं, इनको पूरा गाँव अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, और ये किसी भी पार्टी से खड़े हैं तो पूरा गांव इनको जिताने की आज शपथ ले चुका है। अच्छा। ओमबर जी को लेके भी गांव ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया था, और शायद दो बार दो योजना वो विनर रहे हैं यहाँ से, लेकिन हमारे गांव के प्रति उनके रुझान ज़्यादा कोई अच्छे नहीं रहे हैं, इसलिए अब की बार हम हमारे भाई दीपेश सारसर को वाणीखेड़ा से जिताएंगे और उनको विधायक बना के मंत्री तक बनाने की ऊपर तक कोशिश करेंगे हम। ठीक ठाक भाई, भाई गांव इकट्ठा होया था दीपेश का समर्थन। क्या क्या फैसले लिए? फैसले भाई गांव टिकट दिलाने की कांग्रेस पार्टी से, दीपेश को पूरा गांव इसके साथ है, तन मन धन से इसका साथ देगा। कैसे छवि के नेता है? बहुत बढ़िया, युवा
सभी का नेता है, बढ़िया कहने का मतलब कोई कमी नहीं समय। हाँ बर्त के देखा पूरा पूरा बढ़िया, एक मिनट में कहीं भी देख लो आप, कांग्रेस पार्टी में अभी ऊंचा पद पर है अभी। हाँ बढ़िया जी। तो आज पंचायत की गया है जाट लोहारी की तरफ से, क्या क्या फैसले लिए हैं और आपने क्या आश्वासन दिया दीपेश सर? जो आज की फैसला था, जो पंचायत थी आज की, वो दीपेश सारसर जो कैंडिडेट कांग्रेस के टिकटार्थी हैं उसके लिए थी। पूरे गांव का फैसला है ये, हर बच्चा से लेके बुजुर्ग तक, भई ये दीपेश नहीं है, पूरा गांव दीपेश है, हर बच्चा बच्चा हर नागरिक नागरिक अपने आप को दीपेश समझेगा और उसकी मदद करेगा, हर चीज़ से तन मन धन हर चीज़ से सपोर्ट करेगा और टिकट दिलवाएगा। और उस दीपेश की छवि बहुत बढ़िया है, युवा है, यंग है बिल्कुल। तो और हमारे गांव जटलवारी का आसपास के जितने भी गांव हमारे सबसे बढ़िया संपर्क है, तो पूरा गांव के साथ और भी गांव सहयोग करेगा। तो कांग्रेस पार्टी में कम से कम 30 से 35 टिकटारती है, तो दीपेश भाई का हाँ खड़ा देखते हैं हम पहले नंबर पर। दीपेश की छवि देखो ना, छवि देखो आप, टिकटारती तो बहुत होते हैं हर पार्टी में होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती छवि कैंडिडेट की, पढ़े लिखे हैं, यंग हैं। अब तक क्या तैयारियाँ कर चुके हो आप? हम धरातल से तैयारियाँ कर चुके हैं, जमीन से जुड़ा हुआ युवा नेता है, पूरा गांव साथ है, गुआंड साथ है, बरादरी के आसपास के जितने भी सभी गांव हैं हर चीज़ से। ठीक है, नमस्कार भाई, कैसे हो? ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। तो आज पंचायत में क्या क्या फैसले लिए? आज हमारे गांव जाटुलवारी के मौजे जादमो की जो एक पंचायत हुई उस बैठक में हमारे गांव का जो भाई दीपेश जो है कांग्रेस का टिकटार्थी है, ये इसके साथ पूरा गांव है, कांग्रेस इस भाई को टिकट दे इसमें आस्था जताए तो ये जाटुलवारी गांव इसको एमएलए बनाने में पूरा जोर लगा देगा, पूरे गांव की गाड़ी फ्री चलेंगी। ठीक है, तन मन धन से हम इसका सहयोग करेंगे। भाई साहब हुड्डा गुट है जो कांग्रेस में हिलते भी टिकट देने जो हुड्डा साहब देने हैं, क्या लगता है सेल्स एक्स भाई वोट एमएलए बनाएगा, हुड्डे से एमएलए ना बना रहे। जब गांव पूरा कंप्लीट है और पूरा सहयोग जाके हुड्डा साहब के पास भी जाएंगे कि इस लड़के पे तुम आस्था जताओ, तो उन्होंने भी एमएलए बनाना है तो दीपेश को चुनना पड़ेगा। ठीक है, हमारा गाँव पूरा बड़ा गाँव है, इसमें लगभग 8,000 वोट के करीब वोट हैं और जितना भी जो है ना इसके कम से कम 10 गांवों में इस गांव का प्रभाव है जो रिश्तेदार हैं, तो क्या है कि पूरा गांव जब निकलेगा तो एक माहौल चेंज कर देगा, और जब माहौल चेंज होता है तो दीपेश को सिर्फ कांग्रेस टिकट देते हैं एमएलए बनाने का काम जाटुलवारी का है। अगर बाकायदा कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती है तो जाटुलवारी का क्या स्टैंड रहेगा? कोई निर्दलीय आप उम्मीदवार इसको उतारो? एक्चुअल क्या है कि जो सारे पत्ते आपके इस चैनल पर खोल देंगे हमें तो फिर फ़ायदा क्या होगा? अगर कांग्रेस टिकट नहीं देगी तो हमारे पास अगले प्लान भी हैं, लेकिन 100% जो है दीपेश ने बड़ा छोटे समय से, इसके पिताजी ने भी कांग्रेस के साथ राजनीति करी है, इनके अच्छे लाइजन हैं, इसको टिकट मिलेगी, गांव को भी भरोसा है और दीपेश को भी भरोसा है, कांग्रेस इसको टिकट देगी। हाँ तो आपने गांव इकट्ठा किया, क्या ऐसा प्लान भी किया अभी पूरा हल्का है तो आप एक मंच पे लेके? बिल्कुल, जब भी कोई जलसा कोई जुलूस का काम होगा, कोई चंडीगढ़ कोई दिल्ली जाने का काम होगा, तो आज जाटुलवारी से हैं तो फिर पूरे हलके से लोग जाएंगे, एक भीड़ जाएगी टिकट मांगने के लिए। राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि ने आपके गांव में विशंबर वाल्मीकि को मैं 0 नंबर देता हूँ, उसको जिताने वाला जाटुलवारी खरक केलंगा रेवाड़ी तकड़ाना सिरसा घोघड़ा ये गाँव हैं, राजपूतों के गाँव हैं, ब्राह्मणों के गाँव हैं, उस बंदे ने एक बार भी गांव में आना, मंत्री बनना नहीं, एमएलए बन के मतलब कभी भी किसी के दुख सुख में वो साझी नहीं हुआ, इस गांव ने उसको 90% बीजेपी को वोट दिया है, आज पूरा गांव नहीं 36 बरादरी के लोग उससे नाराज़ हैं कि आपको एक एमएलए बना दिया तो किसी के आप सुध नहीं लोगे, जनता के बीच में नहीं जाओगे। मैं उसको 0 नंबर देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आप इसको रिकॉर्ड करके चलाओ, और अगर वो किसी चीज़ में उसको बहम हो तो इस पर हमारे से डिबेट करे पंचायत में आके, ठीक है, उसको 0 नंबर देते हैं, और अगर वो आएगा तो हम बीजेपी का पूरे हलके में बहिष्कार करेंगे और उसको हराने का काम करेंगे, दीपेश को जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद भाई साहब, बढ़िया, बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया। तो क्या कहना चाहोगे दीपेश भाई के बारे में? दीपेश के साथ पूरा गाँव आज सहमत हुआ है, अगर कांग्रेस पार्टी भाई को
टिकट देती है तो उसको चंडीगढ़ में विधान एक रूम दिला दिया जाएगा। पूरा गांव सहमत है और भाई साहब का गांव गांव नहीं पूरा हल्का भाई साहब के साथ है। क्या उम्मीद है सर? सर गांव के मौजूद व्यक्तियों ने घोषणा की है कि अगर भाई दीपेश को टिकट दी जाती है तो प्रत्येक गांव से अगर 2 करोड़ रुपए लगेंगे इलेक्शन के अंदर तो 1 करोड़ रुपए गांव देगा। अच्छा पूरा मदद करेगा गांव जाटुलवारी जो किसी दतन मंदन का? हाँ पूरा तन मंदन से मदद करेगा। साथियों आज गांव जाटुलवारी की 36 बिरादरी की आज एक महापंचायत का आयोजन किया गया था भाई दीपेश सरसर के समर्थन में, तो बातचीत करवाएंगे दीपेश सरसर से भी, इनको क्या आश्वासन दिया गांव ने, तो बने रहे हमारे साथ। राम राम भाई। राम राम भाई और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम राम। और कैसे हो? ठीक हो? बहुत बढ़िया भाई, आप सुनाएं। बिल्कुल बढ़िया। जो जाटुलवारी की पंचायत है उन्होंने एक महापंचायत की तो आपके समर्थन में, क्या आपको क्या आश्वासन मिला पंचायत की तरफ से? देखिए भाई साहब, आज बाबा जगन्नाथ की कृपा से मेरा समस्त गाँव 36 बिरादरी का गांव है सब इकट्ठे हुए और उन्होंने मेरे को बुलाया और उन्होंने ये कहा कि बेटा तू कॉलेज लाइफ से ही संगठन के लिए राजनीति करता है, आज तू इतना बड़ा हो गया कि हम तेरे को विधानसभा में भेजना चाहते हैं। मैं मेरे गांव की 36 बिरादरी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज खुद पंचायत बुला के और अपने बेटे को बुलाया, उसके लिए मैं उनका हमेशा से ऋणी रहूँगा। आज उन्होंने कहा कि बेटा आप कांग्रेस पार्टी में काम करते हैं, क्योंकि मेरा गांव पिछली 2 योजना से बीजेपी को अधिक वोट देता रहा है, लेकिन आज उन्होंने उस कड़ी को तोड़ के और उन्होंने ये कहा कि तू हमारा बेटा है, तू कांग्रेस में मेहनत कर रहा है, तू मेहनत कर और आगे बढ़, हम 36 बिरादरी तेरे साथ हैं और जहाँ तक कहेगा, चाहे दिल्ली चलने की बात हो, चाहे चंडीगढ़ चलने की बात हो, चाहे रैलियों की बात हो, हम सब आपके साथ चलेंगे और बीजेपी का वोट बैंक तोड़ के आपको देंगे, तो मैं गाँव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। दीपेश जी आज तो आपका गांव इकट्ठा हुआ है, क्या ऐसा भी कोई बातचीत हुई हो भाई पूरा हल्के को एक मंच पे लेके आने वाले हो अभी आप? देखिए भाई साहब, मेरा गांव 7,500 वोटों का और 36 बिरादरी का है। आज इन्होंने एक रणनीति बनाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सब साथियों ने, मेरे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने ये कहा कि हम हर आदमी अपने गाँव से लुकड़ेंगे और पूरी विधानसभा में जाएंगे, सबसे संपर्क साधेंगे और जैसे ही गाँव जब निकलता है तो निश्चित तौर पर पूरे हलके को जोड़ने का काम करेगा और जब पूरे हलके से वो टाई अप कर लेंगे तो निश्चित तौर पे एक बड़ी रैली भी हो जाएगी। और मेरा गांव बड़ा गांव है, खरक और कलंगा, सरसा, घोगड़ा, तिगड़ाना, बोहानीखेड़ा, इन सबसे बड़ा आपसी तालमेल है, रिश्तेदारियां भी हैं, तो जब ये निकलेंगे ना तो निश्चित तौर पर बीजेपी को बड़ा डेंट लगेगा और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएंगे। लेकिन आज मेरे गांव ने मेरे को आश्वासन दिया कि बेटा हमारे लिए तू सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोपरि नहीं, हमारा बेटा सर्वोपरि है, तो बेटा जहां से चुनाव लड़ेगा हम साथ देंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद है गांव का। दीपेश भाई जो कांग्रेस पार्टी में कम से कम 30 से 35 टिकटार्थी है जो अपनी तैयारियां कर रहे हैं और डागुट वाले ये भी कह रहे हैं जो टिकट देने वो तो डन दे रहे हैं, क्या हम सेल जाए सारे क्या टिकट की क्या उम्मीद करते हैं? देखिए भाई साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है कि पार्टी के अंदर इतने टिकटार्थी है, जिस पार्टी में जितने टिकटार्थी होते हैं वो पार्टी उतनी मजबूत होती है और मैं कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास करता हूं, कांग्रेस पार्टी में काम करता हूं। कुमारी शैलजा जी हरियाणा की नहीं देश की बहुत बड़ी कदावर नेता है और आने वाले समय में आप देखना बहुत सारी टिकटें भी वो बांटेंगी, क्योंकि टिकटें बांटना शीर्ष नेतृत्व का काम है और शैलजा जी शीर्ष नेतृत्व हैं और वो जब टिकटें बटेंगी तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बोहानीखेड़ा से भी मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि आज आपने गांव का उल्लास देखा ना, मतलब मेरी गांव के कम से कम 20 लोगों ने तो मंच पे आके ये कहा कि बेटा तू आगे बढ़, किसी ने कहा मैं 1 लाख रुपए दूंगा, मेरे एक अंकल ने कहा मैं 25 लाख रुपए दूंगा, एक ने कहा मैं 10 लाख रुपए दूंगा, एक हमारे अंकल जी बैठे हैं इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्होंने कहा कि बेटा तू चुनाव लड़, जितना पैसा लग जाएगा हम पैसा लगा देंगे, तो मेरा गाँव सक्षम है, सारे साथी हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और आने वाला मौका अच्छा रहेगा। क्या अगर आपको टिकट मिल जाती है कांग्रेस पार्टी आप पर विश्वास जता देती है, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, बोहानीखेड़ा में क्या समस्या है? देखिए भाई साहब, अपना एक मैनिफेस्टो बनाया है, क्योंकि मैं निरंतर लोगों के बीच में रहता हूँ, जो समस्याएं देखता हूँ उनको दूर करने का मेरा अधिकार बनता है। सबसे पहले बोहानीखेड़ा को सब डिविजन बनाने का काम करेंगे, दूसरा हमारे बोहानीखेड़ा के अंदर बहुत सारी फसलें होती हैं लेकिन उनका यूज नहीं कर पाते, तो हम IMT बनाने का काम करेंगे, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन का मतलब है औद्योगिक क्षेत्र स्थापित, तो ये तरह तरह की जो फसलें हैं उनसे उद्योग लगेगा।
उसके बाद भाई साहब आप जिस गांव में बैठी हैं जाटू लुवारी है, इसमें नेशनल लेवल के फुटबॉल प्लेयर हुए हैं, आपके बिल्कुल साथ में तिगड़ाना गांव है उसमें हॉकी के प्लेयर हुए हैं, आपके साथ में कुंगड़ और खेड़ी है उसमें कबड्डी की हमारी बच्चियाँ अभी भी नेशनल खेल के आई है, उसके बाद कालवास बॉक्सिंग विजेंद्र नेशनल खेल के आया है। तो हमारे बुआनीखेड़ा विधानसभा में बहुत सारे प्लेयर हैं, नर्सरी है, तो मेरा मौका लगा तो यहाँ एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे। यहाँ के अंदर जो आप सुंदर ब्रांच नहर देखते हैं, किसान भाइयों को पानी नहीं मिल पाता, तो अगर मौका मिला तो 25 से 26 दिन उसमें पानी देने का काम करेंगे। हमारे बच्चे बहुत आजकल पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रहे हैं, मैं प्रत्येक विधानसभा के हर एक गाँव में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनवाने का काम करूँगा ताकि बच्चे पढ़ाई कर सकें और जो बच्चे प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी प्रतियोगिता की तैयारी कर सकें। तो इस तरीके के बहुत सारे हैं भाई साहब, एक मैनिफेस्टो बनाया मैं आपको दूंगा, वो देखना। तो भवानीखेड़ा को पूरे हरियाणा के अंदर नंबर एक पे लाने का काम करूंगा, ये मेरा भरसक प्रयास रहेगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। साथियों, ये हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है दीपेश सार सर, और भवानीखेड़ा से कांग्रेस के टिकट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, और गांव ने पूरा इनको विश्वास दिला है आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे ही हमने भी सुना है कि गांव ने यह तक कह दिया कि चाहे करोड़ दो करोड़ इसमें चुनाव में लगे हम लगाने के लिए तैयार हैं। तो इंटरव्यू आपको कैसा लगा तो अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में उससे दे। तो देखते रहे देसी बातचीत चैनल सबके बाद सच के साथ।